कप्तान होम ग्राउंड पर मुकाबले के लिए तैयार। मियांवाली के तारिक हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां उरूज पर। खिलाड़ी पुरजोश, ग्राउंड में कारकुनान के लिए 8,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत चेयरमैन इमरान खान समेत 5 बजे ग्राउंड में पहुंचेंगे। जिले पुलिस मियांवाली ने जलसे का सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। जलसे में पुलिस की जानिब से 869 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। सिर्फ सब मेन चौक विजिट करो, रोड विजिट वोटर है आप पैदल चले। जनूबी पंजाब में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। सरदार जमाल लगारी के बाद साबिक विफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन को भी हल्के का दौरा महंगा पड़ गया। इलाका मकीनों ने सिकंदर हयात बोसन की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर खूब भड़ास निकाली। लोटे हो लोटे ही रह गए, हम यहाँ से जीतने नहीं देंगे, चाहे पाँव को हाथ लगा लो वोट नहीं देंगे। 5 साल बाद हमारा ख्याल आया, आओ रोड पर चलकर देखो इलाके की क्या हालत है। ताजपुर संडेला के मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुजाहरीन ने सिकंदर हयात बोसन की गाड़ी का जबरदस्ती दरवाजा खोलकर हल्के की सूरत हाल देखने के लिए इसरार करते रहे, जबकि सिकंदर हयात बोसन का ताजपुर संडेला में पेश आने वाले वाक्य पर रद्द अमल। रोही से खसूसी बात करते हुए उनका कहना था कि रास्ता रोकने वाले मुखालिफ पार्टी के लोग। साबिक विफाकी वजीर सिकंदर बोसन का पीटीआई में शमूलियत का मामला, सिकंदर बोसन तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए या नहीं रोही ने पता लगा लिया। सिकंदर बोसन कहते हैं कि आज फैसला हो जाएगा, टिकट मुझे मिलता है या अहमद हुसैन टहर। इलेक्शन 2018 में जनूबी पंजाब से पहला अपसेट, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुना दिया। कादिर नवाज सांगी और चौधरी नजीर आरान को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कादिर नवाज सांगी और आजाद उम्मीदवार चौधरी नजीर आरानी इलेक्शन 2018 से आउट। असाथा जात दुरुस्त जाहिर न करने पर बिहारी से नजीर आरानी को एनए 162 से और तजवीज कुनंदा का वोटर लिस्ट में नाम न होने के बायस पीपी 211 से कादिर नवाज सांगी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब में शेरों को उतार दिया। मुल्तान, मियांवाली, बहावलपुर, बहावल नगर में उम्मीदवारों को चुन लिया गया। शहजाद मकबूल भुट्टा, तारिक रशीद और आसिफ रफीक रजवाना शामिल। बहावलपुर से मियां वली उमर रहमान, कौमी इकबाल चंदन और रियाज पीरजादा सूबाई असेंबली के उम्मीदवार होंगे। मियाँ आलमदाद को बहावल नगर की कौमी और सूबाई असेंबली की दोनों टिकटें मिल गयी। उबैदुल्ला खान और हुमैर हयात खान रोखड़ी मियांवाली से कौमी असेंबली के उम्मीदवार होंगे। शाह महमूद कुरैशी के आम इंतखाबात में पीपी 217 से जीत के लिए जतन जारी। रूठों को मनाने के लिए मुतहरिक तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुन शेख सलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी का फोन सुनने से इनकार कर दिया। शाह महमूद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने पर बाजी। कोटद्दू में सियासी पार्टियों की इलेक्शन मुहिम शुरू होते ही उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के जाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जियां। नून लीग, पीटीआई और आजाद उम्मीदवारों ने जहाजी साइज के साइन बोर्ड लगवा दिए, इंतजामिया ने चुप साध ली। अल्फाज की हेर फेर करके खुद को मुल्क का सबसे अमीर तरीन उम्मीदवार जाहिर करने वाले मुन्ना शेख को रोही ने ढूंढ निकाला। ना करोड़ ना अरब, मौसूफ ने खरबों के असासा जात जाहिर कर डाले। एनए 182 से आजाद उम्मीदवार मियां मुन्ना शेख ने कागजात नामजदगी में 4 खरब 3 अरब
77 करोड़ रुपए के असासे जाहिर करके सबको हैरान कर दिया और परेशान कर दिया। रोही के पूछने पर आए बाएं शाएं करने लगे। एन 156 और पीपी 211 में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। सूबाई असेंबली के उम्मीदवार शौकत हयात खान बोसन का यूसी 82 और 83 का दौरा। वैंस बराबरी का शौकत हयात खान बोसन और सिकंदर हयात खान बोसन की हिमायत का ऐलान। मुल्तान से जद्दा जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज मनसूख। PK 739 की परवाज ने 5:05 पर जद्दा रवाना होना था। परवाज मनसूख होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। चिश्तिया में थाना शहर फरीद के इलाके में एक हफ्ते में डकैती की चौथी वारदात। जंप वाली पुली पर डाकुओं ने शहरियों को लूट लिया। 20 से ज्यादा राहगीर नकली और मोबाइल फोन लेकर फरार। थाना शहर फरीद की पुलिस का हाल ना पहुंच सकी। दो जरूरी ऐलान समाप्त फरमाए। 119 टेनर के आवाम से गुजारिश है कि प्राय मेहरबानी आपको बिजली का बिल जो मिला है उसको फौरन अदा करें। मुल्तान में मेपको का वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए अनोखा अंदाज। लाउड स्पीकर के जरिए बिलों की अदायगी के लिए ऐलानात किए जाने लगे। लाहौर हाईकोर्ट में 2 जुलाई से मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सेट। मुल्तान और बहावलपुर बेंचेस में 2 माह की अदालती छुट्टियों में अहम केसेस की समाप्त होगी। आम नोयत के केसेस अदालती छुट्टियों के बाद सुने जाएंगे। मुल्तान में एलीट फोर्स सिलेक्शन बराए बेसिक एलीट कोर्स नंबर 20 के हवाले से शेड्यूल जारी। 9 मौलूद बच्चों को ऑक्सीजन देने के लिए चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान में हाइपोथर्मिया मशीन इंस्टॉल कर दी गई, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर जकीफेरिया का इफ्तिताह कर दिया गया। MS अस्पताल डॉक्टर मजरुल खालिक और DNA की शिरकत।